मित्रांनो, हे सरांची नवीन बुक जे आहे ऍडव्हान्स मोबाईल चिप लेवल रिपेअरिंग सीके, हे 10% लॉन्च झालेलं आहे. हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाईन भेटेल. या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तिथून परचेस करता येईल. आता या बुकमध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय, कंपोनेंट लेवल पासून तर आयसी लेवल पर्यंतचे. हाय दोस्तों, मेरा नाम सोनू सैनी और मैं यूपी से आया हूँ और मैं इससे टेलीकॉम का स्टूडेंट हूँ. मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि जो मोबाइल डेड आ जाता है उसकी बेसिकली चेकिंग कैसे करनी है, उसको ऑन कैसे करना, ऑन कैसे करना. तो सबसे पहले चेकिंग में हम मोबाइल फोन में क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम चेकिंग में क्या है, इसकी बैटरी चेक करते हैं कि इसके वोल्टेज पूरे हैं कि नहीं. तो जो इस मोबाइल की बैटरी है उसके वोल्टेज चेक कर चुके हैं, तो किसमें वोल्टेज आ रहे थे? 3.7 से अब इसके वोल्टेज आ रहे हैं. तो मतलब ये जो चेकिंग होती है बैटरी की, ये बिल्कुल सही है. तो दूसरे नंबर पे क्या चेक करते हैं? दूसरे चेकिंग में हम जो है इसके बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे कि इसमें हाफ शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो मोबाइल डेड हो जाता है वो हाफ शॉर्टिंग की वजह से भी डेड हो जाता है. हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग की वजह से डेड हो जाता है. तो कैसे चेक करते हैं? चेक करो उसको, तो मल्टीमीटर लीजिए और हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं बताइए. आपका नाम क्या है? अभिषेक. कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ. दिल्ली से आए, चलिए ठीक है. हाफ शॉटिंग या फुल शॉटिंग चेक करने के लिए हम इसको मल्टीमीटर पकड़ लेते हैं हाथ से. हाँ, तो यहाँ पर क्या है? रीडिंग आ रही है 123. हम दूसरी ओर चेक करते हैं, दूसरी ओर क्या रीडिंग मिलती है. दूसरी ओर हमें या तो एक मिलना चाहिए या सेम रीडिंग मिलनी चाहिए. अगर सेम रीडिंग मिल रही है तो ये हाफ शॉटिंग है. सेम रीडिंग में हमें सेम रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब मोबाइल में हाफ शॉटिंग है. और हाफ शॉटिंग मोस्टली पैनलर में लगे कंपोनेंट के कारण होती है, जो कि डायोड या कैपेसिटर होते हैं. अच्छा अभी से एक चीज और बताओ कि अगर ये मोबाइल फोन सही होता, तो क्या रीडिंग हमें मिलनी चाहिए और कितनी मिलनी चाहिए, और दोनों पे मिलनी चाहिए या एक पे मिलनी चाहिए? अगर ये मोबाइल फोन सही होता तो हमें 150 से 600 के बीच में रीडिंग मिलनी चाहिए, और एक और हमें 1 मिलना चाहिए. अब वो जो 250 600 के बीच में जो रीडिंग मिल रही है, तुम बताओ वो कौन सी रीडिंग होती है, किसकी रीडिंग कहते हैं उसको? हम बीबेट की रीडिंग होती है. पर यहाँ पर हमें बीबेट की रीडिंग भी 250 से कम मिल रही है और दोनों रिवर्स रीडिंग मिल रही है. जो ग्राउंड हो गया है जिसके कारण जो वोल्टेज है वो ग्राउंड में जा रहा है. मतलब वो, और ये भी हो सकता है. अच्छा, अगर दोनों में बीप मिलता तो क्या वो होता? फुल शॉट होता. अच्छा, जनरली क्या होता है कि मोबाइल फोन में जो टेक्नीशियन होते हैं हाफ शॉटिंग को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार हाफ शॉटिंग में कई कॉम्पोनेंट गर्म भी होता है, कई कॉम्पोनेंट गर्म नहीं होते हैं, और गर्म नहीं होने के चक्कर में वो उसको ढूंढ नहीं पाते हैं. क्योंकि टेक्नीशियन लोग कहते क्या है, उसे जो है जनरली जब हम जो हाफ शॉटिंग होती है उसमें क्या, हम बीप चेक करते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई जो कंपोनेंट हमारा लगा हुआ होता है वो या तो लीक हो जाता है, जिसके कारण से या तो वो बहुत अपना जो रेजिस्टेंस है घटा लेता है या बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है. अच्छा, वो जो कंपोनेंट ये बता रहा है वो कंपोनेंट किस कनेक्शन में लगा होगा जबकि ये प्रॉब्लम आएगा? वो कंपोनेंट पैरेलल कनेक्शन में लगा होगा. उसको चेक करने के लिए हमें पैरेलल में लगे डायोड या कैपेसिटर को निकाल कर चेक करना पड़ेगा. रेजिस्टेंस घट गया है या बढ़ गया है. मतलब हमें बेसिकली वो जो पैरेलल कनेक्शन है, जो कि पैरेलल कनेक्शन में सबसे ज्यादा क्या लगे होते हैं, पैरेलल कनेक्शन में सबसे ज्यादा डायोड या कैपेसिटर. अच्छा, ये बताओ कि जैसे कि जनरली हमने ये देखा कि पैरेलल में कैपेसिटर और डायोड क्यों लगे होते हैं, बाकी सीरीज में लगे कंपोनेंट पे क्यों नहीं हाफ शॉटिंग आती है? पैरेलल में जो डायोड, वो पैरेलल में जो भी कंपोनेंट लगाए जाते हैं जैसे हमारे कैपेसिटर और डायोड, वो जनरली जो है प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं. प्रोटेक्शन के लिए कौन सा कंपोनेंट होता है दोनों में से? प्रोटेक्शन के लिए हमारे लिए डायोड होता है. डायोड होता है, प्रोटेक्शन में काम करता है. और जो कैपेसिटर बेसिकली काहे के लिए लगाया जाता है? फिल्टर करने के लिए लगाया जाता है. पर दोनों आपके जब फुल शॉर्ट हो जाते हैं तो मोबाइल फोन शॉर्ट हो जाता है. चलिए ठीक है, बट यहाँ पर ये लीक हो गया है. अच्छा, ये बताइए कि आपने ये तो ढूंढ लिया, ये पता है कि आपका डायोड होता है और कैपेसिटर होता है, तो वो कैसे चेक करोगे कि वो लीक हो चुका है बिना निकाले? इसके लिए क्या है, हम जो कंपोनेंट है उस पर वही रीडिंग आनी चाहिए जो हमने बैटरी कनेक्टर के दोनों में दोनों चेक करी. तो वो जो हम चेक करेंगे उस विधि को हम कौन सी विधि बोलेंगे? कॉल्ड टेस्टिंग. कैसे, बताइए. अच्छा, इसमें हमने चेक भी कर चुका है, तो इसमें हमने क्या पाया चेक करने के टाइम पे, बताइए. चेक किया था, इसमें रीडिंग जो आ रही है 120 से ऊपर आ रही है. 120 के ऊपर आ रही है. एक बार दिखा दो फिर से वो जो रीडिंग आ रही है. तो आपको मैं रीडिंग क्या आ रही है इसमें, इसमें रीडिंग आ रही है आपकी 123, और दूसरी ओर भी 123 आएगी, 123 124 के अराउंड आएगी. ठीक है, मतलब वही 150 के नीचे आ रही है, 250 से नीचे आ रही है, इसलिए और दोनों ओर आ रही है. अच्छा, अब इसमें हमने क्या चेक किया था और उसमें हमने क्या चेकिंग की थी वो डायरेक्ट बता दो. इसमें इसमें हमने चेक किया था कि इसमें जो हमारा एक डायोड है
यहाँ पर पावर आईसी के साइड में लगा हुआ डायोड है, दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों आपको अगर, हाँ बताइए यहाँ पे डायोड, ये जो डायोड है ये डायोड शॉर्ट लीक हो गया है, हाँ। जिससे कारण ये अपना रेजिस्टेंस को इसने बहुत कम कर दिया है। इस डायोड को हम निकाल देंगे तो हमारा मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा। चलिए पहले डायोड को चेकिंग बताइए कि कैसे आपने पता चला कि डायोड लीक हो गया है, कैसे चेक किया आपने? डायोड को चेक करने के लिए हम कॉल टेस्टिंग करेंगे, कॉल टेस्टिंग में रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे और दूसरी प्रोब को हम डायोड पे टच करेंगे, तो हमें वही रीडिंग आनी चाहिए जो रीडिंग हमें, ये देख रहे हैं आप 124 रीडिंग आ रही है, जो रीडिंग हमें मीटर पे ऊपर आ रही थी पहले, ये वही रीडिंग आ रही है हमें, ये देखिए 123, 124, ये वही सेम रीडिंग है जो हमें रिवर्स मोड पे मीटर पे चेक करने पे आ रही थी, और ये आपको तभी मिलेगी जब आप उसपे कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। कोल्ड टेस्टिंग करेंगे तो अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, वो डायोड निकाल दें, वो डायोड निकाल देंगे तो हमारा मोबाइल फोन ऑन हो जाए। तो चलिए चलो अब हम वो डायोड निकालते हैं। चलो तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से ये निकालेंगे डायोड, हम यहाँ पे SMD यूज कर रहे हैं। चलिए निकालिए, पेस्ट लगा लीजिए, निकल गया। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, वो देखिए यहाँ पे अब वो डायोड निकाल, हमने निकाल दिया, अब वो डायोड कहाँ रख दिया तुमने? ये रहा डायोड, तो ये डायोड यहाँ पे लगा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, इधर ये डायोड निकाल के रखे हैं, देखिए ये डायोड है। तो अब हम यहाँ पे कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, मल्टीमीटर लाओ, मल्टीमीटर दो जरा, यहाँ पे हम कोल्ड टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को इस तरह से रख लिया, चलिए अब हम वापस वो कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, जैसे ही नहीं है पीछे, चलो बीप मोड वाला मल्टीमीटर लो। तो देखिए हमने यहाँ पे 20 इसको बीप मोड पे रख दिया है, अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, तो उसी पर कोल्ड टेस्टिंग करो उसी डायोड पर, एक मिनट थोड़ी उंगली कैसे रख लो ताकि हमें दिखाई दे, यहाँ पे पैलर में लगाया क्योंकि एक सिरा ग्राउंड है, दूसरी ओर रखो। थोड़ा और अच्छे से क्लिक चेक करो, यहाँ पे भी पड़ी है, दूसरी ओर चेक करो, देखो यहाँ पे अभी भी 119 आ रहा है, मतलब इसके पास में लगा हुआ ये वाला डायोड भी हम एक बार चेक कर सकते हैं। ये डायोड चेक करो जरा, अब यहाँ पे एक बार वो चेक करो बैटरी पे, रीडिंग चेक करो, अभी भी ऐसा, पर अभी बार वो वाला डायोड और चेक करते हैं, ये वाला डायोड और चेक करते हैं, ये वाला डायोड और निकालो, निकाल दो ऐसे, ये वाला डायोड और निकालो, देखो अभी इस पे भी आ रहा है ना, तो ये वाला डायोड भी निकालो, निकालो ट्विजर से निकालते, तो ऐसे में और अच्छा मजा आता है जब काम एक के बाद एक होता है, तो ऐसे में क्या है ना वो मिलती है कि हाँ या फेक नहीं है, नीचे वाला डिस्प्ले को भी फर्क पड़ सकता है सर, इतनी निकल गया। अब हम यहाँ पे फिर से जैसे आपको दिखा देते हैं, हमने दो डायोड निकाले हैं, आप चाहें तो इन डायोड को लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते क्योंकि पैरेलल लगे हुए हैं। चलिए अब हम इसको चेक करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर रीडिंग आ गई है 368 जो आपकी बीबेट की रीडिंग है, अब दोनों पे आ गई है, अब इसकी हाफ शॉटिंग दिखाइए। चलिए अब इसको हम हाफ शॉटिंग में चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक जगह पे यहाँ पर एक आएगा, सही। अब देखिए एक आ रहा है, दूसरी जगह पे हम चेक करने पर यहाँ पर बी बैट की रीडिंग आ रही है,
वेरी गुड। चलिए इसको अभी पर हम चालू करके देखेंगे, इसको चालू करके देखो, डीसी मशीन से चालू करो। हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मल्टीमीटर में देखिए, यहाँ पे सॉरी डीसी सप्लाई मशीन में रीडिंग आ रही है, और यहाँ पे हम अपना मोबाइल फोन ऑन करेंगे, ये देखिए मोबाइल फोन हमारा ऑन हो गया। और सबसे देखने वाली बात ये है, यहाँ पे देखिए हाफ शॉटिंग भी हट गया है, हमारा एम्पियर का रीडिंग भी हमारा परफेक्ट आ रहा है, जो 40 जो अबव आता था 2 एम्पियर 1 एम्पियर वो भी नहीं आ रहा, और ये बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह से हम अपनी हाफ शॉटिंग को निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। तो आप अच्छा आप ये बताइए, तो अब मुझे शुरुआत से बताइए स्टेप वन से, कि आपके पास में जब डेड फोन आया तो कैसे कैसे आपने चेक किया बताइए। सबसे पहले हमारे पास एक डेड फोन आया, हमने उसकी सबसे पहले बैटरी चेक करी, बैटरी की वोल्टेज उसकी 3.7 वोल्ट से अबव आनी चाहिए, 3.7 वोल्ट आनी चाहिए, वो ओके थी। उसके बाद फिर हमने उसकी शॉर्टिंग चेक करी, हाफ शॉर्टिंग है या फुल शॉर्टिंग है, उसको चेक करने के लिए हमने उसकी वीबैक के कनेक्शनों पे चेक किया, उसकी करंट चेक करने के लिए हम दोनों कनेक्टरों पे रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब रखेंगे। तो उसके बाद उसमें रीडिंग शो कर रही थी जो कि 120-124 ऐसे समथिंग थी, जबकि वहां पर रीडिंग आनी चाहिए थी 250 से अबव और 600 के अंदर वो भी रिवर्स मोड पे आनी थी, वो रिवर्स मोड पे आनी चाहिए थी, और वन साइड आनी चाहिए थी, सेकंड साइड नहीं आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर सेकंड दोनों साइड रीडिंग आ रही थी। तो हमने ये देखा कि दोनों साइड रीडिंग आ रही थी, तो हमको लगा कि इसके अंदर डायोड है पैरेलल में लगे, जो हाफ शॉटिंग होती है मोस्टली पैरेलल कंपोनेंट के कारण होती है, जो कि डायोड या कैपेसिटर हो सकते हैं। तो उसमें वो दोनों तरफ बीप बजाते हैं क्या डायोड और कैपेसिटर चेक करने पर? नहीं, दोनों तरफ बीप नहीं बजाते, वो एक तरफ बीप बजाते हैं, एक तरफ रीडिंग देते हैं, मतलब तो पैरेलल होते हैं, मतलब बेसिकली वो डायोड और हाफ शॉटिंग में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फुल शॉटिंग में वो दोनों तरफ बीप बजाएंगे, फुल शॉटिंग में दोनों तरफ बीप, मतलब पूरे शॉर्ट हो जाएंगे, पर हाफ शॉटिंग में वो एक तरफ लीक हो जाएंगे, एक तरफ बीप देंगे एक तरफ रीडिंग देंगे। हाँ, तो हाफ शॉटिंग में बेसिकली कंपोनेंट लीक होते हैं, लीक होने का मतलब क्या होता है, लीक होने का कि कंपोनेंट क्या हो जाता है लीक होने के बाद? लीक होने के कारण कंपोनेंट अपना रेजिस्टेंस जो होता है या तो ज्यादा घटा देता है या बिल्कुल बढ़ा देता है, जिससे कारण कंपोनेंट लीक हो जाता है। और उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी वीबेड पे सब कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर उसपे 124-123 के करीब जितना भी आ रहा है एक्यूरेट रेजिस्टेंस, हम कोई भी डायोड या कैपेसिटर पे हमें मिल सकता है। और कौन सी विधि यूज करेंगे उसके लिए? हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। अगर किसी डायोड पे, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे 2 डायोड पे सेम रेजिस्टेंस आ रहा था, हाँ। तो हमने उन दोनों डायोड को रिमूव किया, तो पहले तो हमने पहला डायोड निकाला, तो हमारी हाफ शॉटिंग रिमूव नहीं हुई, हाँ। लेकिन जब हमने दूसरा डायोड निकाला तो उसके बाद हमारी हाफ शॉटिंग रिमूव हो गई, रिमूव हो और हमें वीबैट जितना रेजिस्टेंस मिलने लग गया। अच्छा, वो डायोड लगाने की जरूरत है क्या दोबारा? नहीं, वो डायोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायोड जो है पैरेलल कंपोनेंट है, वो खाली सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, बिल्कुल एज अ सेफ्टी, उसको आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, गुड गुड, या तो आप उसको ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी वो चल जाएगा, जैसे कि हमारा चालू हुआ, जैसे कि हमने उसे छोड़ दिया तो हमारा फोन चालू हो गया नॉर्मल कंडीशन में। अच्छा, अब ये भी बताओ कि अगर मान लो मैं ऐसी कोल्ड टेस्टिंग से ये चेक नहीं करना चाहता, तो अभी कौन सी दूसरी ऐसी टेस्टिंग है जिससे मैं चेक कर सकता था, बताओ? अगर हम मोबाइल को जो है, मोबाइल की हाफ शॉटिंग जो है, अगर कोल्ड या फुल शॉटिंग या हाफ शॉटिंग दोनों इस तरीके से निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास जो है एक मैजिक बॉक्स है, इसके जो इससे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो हाँ बोलो ना, तो हमें क्या है, इसके दो कनेक्टरों को जो है बैटरी कनेक्टर पे दोनों को लगाना होगा, और हमें एक पेस्ट लगाना होगा आसपास जितने भी लिक्विड पेस्ट आता है उसको जो है सारे कंपोनेंट्स पे लगाना होगा, और जब हम इसको जो है कनेक्टर पे लगाएंगे तो वो बेसिकली वो कंपोनेंट बबल छोड़ने लगेंगे, धुआं छोड़ने लगेंगे, तो हम जो है उन कंपोनेंट्स को रिमूव कर सकते हैं और हमारी हाफ शॉटिंग रिमूव हो जाएगी। तो क्या है ये मैजिक बॉक्स? तो आज मैं आपको जो है, पहले भी आप लोग जो है इसकी वीडियो देख चुके हैं, और मैं आपको फिर दोबारा से दिखाना चाहता हूँ कि इसमें है क्या, ये क्या है, 4 वोल्ट की बैटरी है केवल, ये खाली कोई मैजिक बॉक्स नहीं है, ये सिर्फ एक 4 वोल्ट की बैटरी है जो कि हम बैटरी से कनेक्ट, जो कि हमारे मतलब एक बैटरी की तरह ही है जो कि हमें फोन को ऑन करने के लिए चाहिए 4 वोल्ट मिनिमम। तो ये डायरेक्ट बैटरी को लेना, बट आपको यहाँ मोबाइल की बैटरी को लेके वो नहीं करना है कि आप उसका BSI सर्किट ओपन कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। आप नॉर्मल ये वाली बैटरी आप दिखा दो, पास से दिखा दीजिए, नॉर्मल आप ये वाली बैटरी को आप खरीद सकते हैं बाजार में, जो आपको मिल जाएगी 10-15 रुपए की, और जिसको आप जो आपको तार भी थोड़े यूज करें तो थोड़े मोटे तार आपको यूज करने हैं इस तरह से, और जिस तरह से आप इसको हाफ शॉटिंग को फुल शॉटिंग को निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अगर आप यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो 28 तारीख का जो है नेक्स्ट मंथ से बैच है, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।
जैसे ही आप इस एप्स के अंदर आप और जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एशिया टेलीकॉम का लोगो और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए जो सबसे पहले पेज में आपको खुलते साथ में आपको यहाँ पर मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 आपको और ये हर दिन में अपडेट होंगे, इसमें मॉडल 4, 5, 6 भी इसमें अपडेट होते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। हम बात करेंगे पीसीबी की पहचान, आपको मोबाइल हिस्ट्री की जानकारी, आपको बिग लेवल आईसी कार्ड लेवल की जानकारी, डिजिटल मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं, एसएमडी मशीन को कैसे यूज़ करते हैं, सोल्डरिंग क्या होता है उसको कैसे करते हैं, मोबाइल वाटर डैमेज, हम बात करें बैटरी के बारे में या सॉर्टिंग क्या होता है उसको कैसे पहचानते हैं, सॉर्टिंग क्या देखा जाता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और ये चीज़ें आपको हिंदी में मिल जाएंगी। मोबाइल टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग, तो यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको नेविगेशन जो आपको दिख रहा है आपको क्लिक करना है, आपको इस तरह का पेज मिल जाएगा और इस पेज में आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। जैसे अभी हम थे फ्री मोबाइल ट्रेनिंग, जैसे मैं बात करें इसी को क्लिक करने पर हम यही वाले पेज में हम वापस आ जाएंगे। अभी हम नेविगेशन का आने में 1 या 2 सेकंड का वक्त लगेगा, देखिए आ गया है। अब हमें क्लिक करना है कॉम्पोनेंट टेस्टिंग, अब हम कॉम्पोनेंट टेस्टिंग में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारे कॉम्पोनेंट की जानकारी नॉर्मल और एसएमडी दोनों की अलग अलग दी हुई है, हिंदी की अलग दी है, इंग्लिश की अलग दी है, अगर आपको उर्दू आती है तो आप इसको उर्दू में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें नॉन पोलर कैपेसिटर उनको कैसे चेक किया जाता है, तो ये मैंने इंग्लिश में बताया हुआ है और ये आपके नॉर्मल कॉम्पोनेंट हैं, यहीं पर हमने हिंदी में भी और यही बात हम बात कर रहे हैं कि एसएमडी कॉम्पोनेंट भी हमने बताया हुआ है। जैसे एसएमडी रजिस्टर किसे कहते हैं तो इसकी टेस्टिंग हम जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पर आपको एसएमडी रजिस्टर की टेस्टिंग मिल जाएगी। देखिए एसएमडी रजिस्टर यहाँ पर और इसकी पहचान की अगर हम बात करें किस तरह के दिखते हैं एसएमडी रजिस्टर, तो यहाँ पर वर्क में हम क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें देखिए इसका सिंबल दिख गया है और यहाँ पर ये काले कलर के जैसे आपको दिख रहे हैं, तो ये कंप्लीट आपको एक पूरा फुल किताब जैसा यहाँ पर आपको पूरा नॉलेज दिया गया है, इसका चेकिंग सारा चीज यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे केवल आपको हार्डवेयर नहीं आपको सॉफ्टवेयर भी देखने मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। हार्डवेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नेविगेशन पे आना है जो 2-1 सेकंड में आ जाता है और उसके बाद में देखिए हार्डवेयर में सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर प्रत्येक प्रायः हर सेक्शन को यहाँ पर डाला गया है, उसकी चेकिंग डाला गया, जैसे रिंगर की हम बात करें रिंगर को कैसे चेक करते हैं, तो देखिए रिंगर को हमने यहाँ पर खोला और यहाँ पर जैसे रिंगर का यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या कि रिंगर की रिंगटोन साउंड ना बजना, एमपी क्रिया वॉइस कॉल के दौरान लाउड स्पीकर का ना बजना, तो यहाँ पर सारी चेकिंग उसकी दी हुई है जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। अगर आपको ट्रांसलेट करना है अपनी भाषा में उर्दू या किसी और भाषा में तो आप नीचे जाइएगा और ट्रांसलेट टू एनी लैंग्वेज में क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपनी भाषा चुन लीजिएगा और ये यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देगा। सॉफ्टवेयर की जानकारी है वो भी इसमें डाली गई है, फ्लैशिंग किसे कहते हैं, मोबाइल रिसेट किसे कहते हैं, तो सारी यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा, स्टॉक रोम, कस्टम रोम, ये सारी चीजें यहाँ पे किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको टूल मिलेंगे जैसे FRP अनलॉक टूल, बायपास टूल, बहुत सारे जो ऐसे हिडन टूल हैं और ये बेसिकली कि यहाँ पे फ्लैशिंग के बारे में आ गया, ये अभी पूरा हिंदी में इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में कर सकते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी ये कंटेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर टूल के बारे में सब जानकारी दी है, MI का टूल, सैमसंग का टूल, यहाँ पे सारे ड्राइवर दिए, ADB यूनिवर्सल ड्राइवर फॉर ऑल एंड्रॉइड डिवाइस मिनिम, तो हम बात करें मिनिमल ADB टूल, MediaTek का ड्राइवर, तो ये ड्राइवर वन क्लिक इंस्टॉल हो जाते हैं, साथ में इसमें इसकी जानकारी दी गई हुई है और उसके साथ में मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइवर टेस्टेड ड्राइवर है और ये डालने से जो आपका ड्राइवर वाला काम है ये पूरा करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे रिसेट में हम जाएंगे तो इस तरह से बहुत सारे इसके पेजेस हैं, आप पेजेस में जा सकते हो, कौन कौन से मोबाइल रिसेट करना हमने बताया, रिसेट क्या होता है सब बताया है, रिसेट सैमसंग, तो आपको अगर मोबाइल ट्रेनिंग अगर आप सीख रहे हैं तो आपको हर छोटी छोटी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, MI को कैसे रिसेट करना है, Vivo, HTC, iPhone, विंडो, ब्लैकबेरी, तो सारी फोनों का रिसेट यहाँ पे बताया गया है और वो भी फोटो के साथ और स्टॉक रूम, यहाँ पे तो सब आपको मिल जाएगा। और ऊपर वाला मेन्यू में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम, गूगल और ये हमारे स्टूडेंट का जो टेस्टिमोनियल है ये आपको देखने यहाँ पे मिलेगा, तो जो यहाँ पर यहाँ से हमारे से पढ़कर जाता है और उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और जो उन्होंने हमें राय दी है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों ये एप्स को आज ही डाउनलोड करें, इस एप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ लिखना होगा एशिया टेलीकॉम। जैसे आप एशिया टेलीकॉम टाइप करेंगे थोड़ा आप नीचे जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री मोबाइल ट्रेनिंग वॉल्यूम 1 और जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसकी लिंक नीचे वीडियो के में दी गई है, आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट ये वाले पेज में आ जाएगा। केवल 2 MB का ऐप्स है और ये केवल 2 MB के ऐप्स को डाउनलोड करने से इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और इससे आप काफी कुछ सीख पाएंगे। Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps.
लिंक इन डिस्क्रिप्शन।